हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू अफेयर टीवी। फिल्म की शुरुआत हमें एक ट्रेलर पार्क को दिखाया जाता है। इसमें एक कपल लेटा हुआ है। ये कपल काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। अचानक से यहाँ तीन मास्क पहन पहुँचे। इनमें से एक गेट पर नॉक करता है। लेडीज अगर दरवाज़ा खोलती है और फिर उसके ऊपर हमला हुआ, वो मारी गई। लेडी का हस्बैंड बेड पर लेटा हुआ है। एक मास्क मैन हस्बैंड के बगल में जाकर लेट जाता है। कहानी थोड़ा आगे आती है। हम देखते हैं खूबसूरत सी लड़की किंजी को। किंजी काफ़ी उदास है। दरअसल उसके पेरेंट्स उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजने वाले हैं, इस वजह से वो सबसे खफा है। किंजी की मदर है सिंडी और फादर है माइक। माइक फ़िलहाल छुट्टियां मनाने की तैयारी कर रहा है। बोर्डिंग स्कूल से पहले माइक चाहता है कि अपनी वाइफ सिंडी, बेटे लूक और बेटी किंजी को लिए ये ट्रेलर पार्क में जाएँ, वहाँ पर छुट्टियाँ मनाएं। इस तरह ये चारों निकले हैं ट्रेलर पार्क के लिए। जैसे यहाँ पहुँचते हैं, यहाँ एक लड़की जिसका कि चेहरा दिख नहीं रहा, वो यहाँ आती है। वो अपना नाम डॉल्फिस बताती है। वो कहती है कि वो तमारा को ढूंढ रही है। सिंडी कहती है कि वो किसी तमारा को यहाँ पर नहीं जानती। वो लड़की यहाँ से चली गई। बाद में किंजी भी अपनी फैमिली से नाराज़ होकर घर के बाहर चली जाती है। इस समय वो धूम्रपान कर रही है। किंजी का भाई लूक अपनी बहन को मनाने के लिए घर के बाहर गया है। इतने में माइक और सिंडे आपस में संभोग करने जाते हैं। जैसे ही एक दूसरे के साथ जिस्मानी संबंध बनाने वाले थे, अचानक से यहाँ डॉल्फिस फिर से आ गई। वो फिर से तमारा के बारे में पूछती है। इस बार माइक उसे यहाँ से जाने को कहता है। सिंडी को कुछ शक हो रहा है कि ये लड़की बार बार यहाँ क्यों आ रही है। सिंडी देखती है कि उसके दोनों बच्चे भी यहाँ नहीं हैं। अब ये कपल अपने बच्चों को ढूंढने निकला है। इधर हम किंजी और ल्यूक को देखते हैं। दोनों सड़क पर चलते हुए अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। इन्हें याद आता है कि बचपन में कैसे ये एक दूसरे के लिए पजेसिव थे, कैसे ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते रहते थे। यहाँ एक ट्रेलर पार्क को देखते हैं जिसका कि दरवाज़ा खुला हुआ है। दरअसल ये सिंडी के अंकल आंटी का ट्रेलर पार्क है। दोनों इसके अंदर जाते हैं। यहाँ ये पाते हैं कि लाशें पड़ी हुई हैं, यानी सिंडी के अंकल और आंटी मारे जा चुके हैं। दोनों यहाँ से भागते हैं। इतने में यहाँ पर माइक और सिंडी आते हैं। ल्यूक जब सब कुछ बताता है, तब माइक और ल्यूक तो यहीं रुक गए, जबकि सिंडी और किंजी वापस अपने ट्रेलर में पहुंचे हैं। माइक यहाँ फ़ोन में वॉइस मेल को सुनता है जिससे कि सिंडी ने भेजा था। सिंडी ने अपने अंकल आंटी को वॉइस मेल भेजते हुए बताया था कि वो यहाँ आने वाली है अपनी फैमिली के साथ। इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ जो मास्कमैन हैं, उन लोगों ने सिंडी की आवाज़ सुन ली थी। सिंडी के अंकल आंटी को मारने के बाद वे सभी अब सिंडी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसकी फैमिली का, ताकि उसे मार दें। अब माइक ल्यूक को लिए सिंडी के घर के पास जा रहा है ताकि वो अपनी फैमिली को बचा सके। इधर सिंडी किंजी को कंसोल करने की कोशिश करती है। किंजी काफ़ी डरी हुई है। वो माफ़ी मांगती है अब तक के किए गए अपने बिहेवियर के लिए। तभी यह देखते हैं कि इनके फ़ोन्स डैमेज हो चुके हैं। एक फ़ोन सम हाउ सिंडी ऑन करने में कामयाब हो गई, पर वो जैसे ही हेल्प के लिए फ़ोन लगाती है, यहाँ डॉल्फिस आ गई। डॉल्फिस इन दोनों का पीछा करती है। ये दोनों भागते हुए बाथरूम में जाती हैं। सिंडी ने बाथरूम के ऊपर की छत को खोलकर सम हाउ किंजी को तो बचा लिया, पर वो अपने आप को नहीं बचा पाई। डॉल्फिस ने स्टैब करके यहाँ पर सिंडी को मार दिया। किंजी काफ़ी इमोशनल होते हुए यहाँ से भागती है। इतने में माइक यहाँ ल्यूक के साथ पहुँचा है। माइक अपनी वाइफ की लाश को देखता है। यहाँ डॉल्फिस ने अपने मास्क का एक सिंबल बनाया है। ल्यूक अपनी मदर की लाश को देखकर काफ़ी इमोशनल होता है, पर माइक कहता है कि उन्हें हर हाल में किंजी को बचाना होगा, उसकी जान को खतरा है। ये दोनों जैसे ही मिनी वैन में निकलते हैं, इन पर फिर से हमला होता है। ल्यूक इधर उधर किंजी को ढूंढ रहा है, जबकि माइक पर मास्कमैन ने हमला किया। मास्कमैन यहाँ माइक को जान से मार देता है। ल्यूक अब माइक की गन लिए किंजी को बचाने निकला है। किंजी यहाँ भागते भागते एक सुरंग में छिपती है, पर जब यहाँ भी मास्कमैन हमला करते हैं तब वो यहाँ से भागती है। वो एक खाली पड़े ट्रेलर में जाती है। यहाँ अचानक से डॉल्फिस आ गई। वो अब किंजी को स्टैब करके मार ही देने वाली है, तभी यहाँ पर ल्यूक पहुँचा है। वो डॉल्फिस को गन दिखाता है। डॉल्फिस कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझ पर गन चला पाओ। किंजी भी ल्यूक को गन चलाने से रुकती है। ये दोनों सड़क पर आ गए। ये दोनों यहाँ से भाग रहे हैं। अंत में ल्यूक ने किंजी को एक ट्रेलर में छुपा दिया। वो कहता है कि वो 911 पर फ़ोन करके आ रहा है। वो मेन ऑफिस की तरफ जाता है। यहाँ उसने ऑफिसर को फ़ोन लगाकर हेल्प की गुहार लगा दी है, पर तभी यहाँ मास्कमैन का हमला होता है। ल्यूक अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागता है। जैसे ही वो पूल के पास पहुँचता है, उसका मास्कमैन से भिड़ंत होता है।
यहाँ दोनों की लड़ाई में अंत में ल्यूक भारी पड़ा। उसने मासमैन को मार दिया, पर तभी दूसरा मासमैन कुल्हाड़ी लिए पहुँचा है। ल्यूक इस मासमैन को वॉर्न करता है कि उसने एक को तो मार दिया, अगर वो चाहे तो उसे भी मार सकता है, पर मासमैन उस पर हमला करता है। दोनों पूल के अंदर गिर जाते हैं। दोनों में यहाँ लड़ाई होती है, पर मासमैन ने स्टैब करके ल्यूक को तड़पता हुआ यहाँ छोड़ दिया। ल्यूक अब मरने को है, पर तभी यहाँ किंजी आ जाती है। अपने भाई को संभाव वो बाहर निकालती है। अब वो हेल्प के लिए यहाँ से निकली है। जैसे ही वो सड़क पर पहुँचती है, यहाँ पर एकदम से उस पर हमला होता है। किंजी यहाँ से भी भागती है। इतने में पुलिस ऑफिसर की वैन को देखती है। पुलिस ऑफिसर यहाँ आकर किंजी की हेल्प करना चाहता है, पर तभी उस पर मासमैन ने हमला किया और ऑफिसर मारा गया। डॉल्फिन से खुद को बचाने के लिए किंजी वैन को ऑन करती है, पर वो कामयाब नहीं हो पाती। डॉल्फिन से जब किंजी की लड़ाई हुई, तब डॉल्फिन का मास्क उतर गया। डॉल्फिन का चेहरा देखकर किंजी उसे पूछती है कि आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। डॉल्फिन कहती है कि क्यों ना करूं। अंत में किंजी डॉल्फिन को मारने में कामयाब हो गई। जब वह यहाँ से भागती है, तब दूसरा मास्कमैन उसके पास आ जाता है। किंजी ऑफिसर के वैन को लिए भागना चाहती है, पर चाबी मास्कमैन के पास है। अंत में किंजी अपने आप को बचाते हुए लाइटर से यहाँ आग लगाती है। इस लाइटर में ऑफिसर की वैन तो जली ही जली, साथ में मास्कमैन की वैन में भी आग लग गई। पर मास्कमैन इसी वैन से किंजी का पीछा करता है। किंजी भागते हुए ब्रिज के ऊपर चढ़ती है। यहाँ वो गिर जाती है। अब वो काफ़ी जख्मी हो चुकी है। अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मास्कमैन अपनी वैन से उतरता है। वो किंजी की तरफ बढ़ता है, पर चलते हुए एकदम से वो ज़मीन पर गिर पड़ा। दरअसल वैन में लगे धुएं की वजह से अब उसका बचना बहुत मुश्किल है। वो काफ़ी अधमरी हालत में हो गया है। किंजी यहाँ एक मिनी ट्रक को आते हुए देखती है। वो हेल्प के लिए चिल्लाती है। इस ट्रक में लेडीज़ हैं जो कि बाहर निकलती हैं, पर वो जैसे ही देखते हैं कि किंजी पर हमला हो रहा है, दोनों अपने व्हीकल लिए भागने लगी। किंजी समहाउ ट्रक के पिछले हिस्से में चढ़ गई। मासमैन उसे मारने के लिए ट्रक पर चढ़ता है। यहाँ एक बेसबॉल रखी है जिसे कि किंजी ने देख लिया। इस बेसबॉल से वो मासमैन पर हमला करती है। मासमैन सड़क पर गिरा और उसकी जान निकल गई। इस तरह किंजी ने इन तीनों को मार दिया। हालांकि उसके भाई से भी उसे हेल्प मिली, पर किंजी को फिक्र है अपने भाई ल्यूक की। बाद में वो हेल्प लेकर अपने भाई ल्यूक को हॉस्पिटल ले जाती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि किंजी बैठी हुई है और उसका भाई एकदम से होश में आ गया। ल्यूक अब काफ़ी रिकवर कर चुका है। इन दोनों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, पर अब ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।